आपां किरती हाँ, आपां गृहस्थी हाँ। जो बंदा रात नूं बैठदा है कई बारी अंदर चिंता खांदी है, जे घर रोटी ना पकदी होवे तां अंदर भय खांदा की बनेगा मेरी रोटी दा, की बनेगा मेरे बिजनेस दा, की बनेगा मेरे परिवार दा। ध्यान नाल सुनियो, एक गुरु जी रात सौन लग्या कहिंदे ने, सौन लग्या फुरने उलामे दे ना बनाई, तू मैनू की दिता है? मैं तैनू सौन लग्या कहना तू शुक्र विच सौवी कि जो कुछ उन्हें दिता उसकी कीमत कोई नहीं पा सकता। महाराज कहते नानक चिंता मत करो। यह मैं रात भी कहा सच्ची मुची अद्धो ज्यादा बॉडी दिया बीमारियां रात नूं सौन लग्या चिंता विच आई हुई नींद करके। जे शब्द नूं याद करदिया सौवेगा तो शब्द अपना काम करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड च जो बोल लग्या रात नूं सौन तो पहला बोलिया सोचिया वह काम करेगा। जे रात नूं सौन लग्या उस अचेत मन दे विच चिंता पा दित्ती, याद रखियो जिन्ना शब्द बाणी बंदे नूं आरोग करेगी सौन लग्या उन्ना चिंता दे फुरन रात नूं बीमार भी करनगे। कि यह भी चिंता कि की बनेगा, गुरु जी कहते नहीं वह सब नूं रोजी दिंदा पै। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसिए जल मैं जंत उपायन तिना पी रोजी दे। जिहड़ा सारियां नूं रिजक दिंदा पै ना मना वह तेनू भी जरूर देगा, क्योंकि उहदा सुभाअ ही है हर एक जीव की संभाल करनी। मना तू ना कल्पी जाई वह नित नित सब नूं सांभदा पिया है। इत्थे गुरु जी मंगलमई गीत दे विच विच साडी जिहड़ी वह चिंता खारी है, ना कर चिंत चिंता है करतै हर देवै जल थल जनता सब तै। रात नूं सौण लग्या यह फुरना लै के ना सौवी कि हाए मेरी रोटी, क्योंकि मन का सुभाग है जिहड़ी चीज मिल जाती है ना उधर नहीं ध्यान देंदा तू बड़ा परोपकार किया, जिहड़ी नहीं मिलती ना उहदे वास्ते उतावला भी हुंदा है कल्पदा भी। अज स्कूलिंग है बच्चे तेरा आ हक है, आ मापिया लिया के आ तेरा आ हक है, पर गुरमत कहिंदी है हक सिखाण तो पहला उहनू फर्ज जरूर समझाओ कि जिनके जने बडीरे तुमको तीन सौ झगड़त पाप। यह तेरा फर्ज भी है कोई, जिस मां ने तेनू कुख च इन्ने महीने रख के उहदा दूजा जन्म हुंदा है। सच जे हर बच्चे दे नाल मां जमदी है इस्त्री है, पर जिस वक्त तो कुख विच बच्चे नू जन्म देंदी है आ मैं क्या हर बच्चे नाल जिस बच्चे का जन्म हुंदा है वह जो मां कहिंदा है माता कहिंदा है प्यारे सच एवे कला बच्चे का जन्म नहीं हुंदा, एक मां की शख्सियत का जन्म हुंदा मर के जन्म लेंदी है। इत्थे दुनिया च नित नित कोई किसी नू नहीं जे संभालदा, कोई टामा टामा लोग पैसे मंगदे आ। महाराज कहिंदे ने सौण लग्या चेते रखी वाहिगुरु ओ बाप है जिहड़ा कदी नहीं थकदा ते कदी नहीं अकदा, वह रोज संभालदा है नित नित जीड़े संभालियां। पहला परमात्मा ने रिजक पैदा किया, उस तो बाद परमात्मा ने जी पैदा किया, क्योंकि उन्हें फिक्र है मैं इहदी संभाल करनी। उन्हें पता है बंदा गुनाह कर रहा है, वाहिगुरु जी गुनाह कर रहा है, तो फिर भी वेखो दई जांदा है, क्योंकि वह अपना सुभा नहीं कदी त्यागदा हुंदा। उस रब तो बिना तेरी किसी ने सार नहीं लैनी, उस तो बिना तेनू किसी नहीं संभालना। कुरबान जाइयो रब दे कोलों, हर थां ते हर बच्चे नू रोजी पहुंचांदा पिया। सिर्फ आदम जात की गल कर रहे हैं ते किन्ने कु जीव ने जिहड़े सानू नजर नहीं आउंदे पे, किन्ने पंछियां दे आंडे, किन्ने पशु ने, किन्ने पानी च ने, सच्ची मुची कोई गिनती मिनती नहीं कर सकता। पर महाराज कहिंदे ने वेखो बंदिया वह हर एक जीव नू संभालदा पिया है, कि जिन्ने मर्जी गुनाह अचेत होए होण जदों जहां गा जाए उहदे चरण पकड़ के कहिए बापू बहुत गलतियां हो गई बख्श दे। सच्ची मुची अथरू डिगदिया सार सीने ना ला लैंदा। गुरबाणी तो इत्थों तक कहिंदी है बुढ़ेपा तो बड़ा वधिया है, जे मान लो तू अंतले समय मंजी ते पिया है ना उठ भी नहीं सकता, बंदगी कर तेरा तां वी भला हो जाएगा। सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन, ओ दिन तेरे ते भी आउंदा पिया मेरिया मना ओनू चेते कर जिहड़ा घर घर विच सदे भेज रहा। हजूर कहिंदे ने कि धी जन्म लैंदी, तुसी कहिंदे हो कल नू चली जाना है, याद रखी वो व्याही जाएगी प्रौणी बन के जरूर घर आएगी दोबारा। अपनी जिंद नू पुछ के देख
जिदन इहनू मौत ने वर के लै जाणा, इहने प्राणी बन के वी घर विच कदी नहीं आउणा। ओह जिदन तेरा जन्म होया सी ना, तू पहली किलकारी मारी रोण दी। याद रखी, रब ने तेनू जन्म ही तां दित्ता, पहला तेरा साल लिखिया मौत दा। दूजी गल, उहने मखीना भी लिख दिता, महीने दे विच दिन भी लिख दिता, ते दिन दे विच उहने समा भी लिख दिता। इथों तक तेरे भांडे नूं तोरन लग्या उहने गिण के साह पा दित्ते, इन्ने समें च तेरे साह गुण मुक जाणे ने। अखां तां भरियां ने धीए, अज तुर चली है हर थान हर चीज नूं, कहिंदी मेरी मेरी। पिता दे घर नूं तूं इन्ना सांभिया, अज तुर लगी है। ये भरजाइयां भी ने, भरा भी ने। एक गल याद रखियो, जो प्यो दे नां ते सरदारी हुंदी, उह किसे होर दे नां ते नहीं हुंदी। सिर्फ एक रिश्ते ने जिहड़ा धी नूं प्यार बापू दे छाती चों मिलना है, शायद उदों बाद घर चों प्यार ना मिले। पुराने समय सब तो पहला डोली भरा चुकते होंगे सन, शायद तुम देखे होना भरा चुकते सन डोली, कहार बाद विच लगते सन। डोली घरों चुकनी भरावान ने, इत्थे जो बंदे की मौत होंगी है ना, शरीका बरादरी बाद विच चुकदा, पहला भरा मोढ़ा लाते ने। गुरमुखो जो मौत होंगी है भरा चुकते ने, शनान कराने तो बाद शमशान घाट विच फूकन तो पहला रस्ते च रखते ने। ते कहा जांदा सी जिन्ना आखरी मूँह वेखना वेख लो, क्योंकि इदू बाद इहदा संस्कार कीता जाणा। लोको असल च मौत डर है, मौत भय है। गुरु नानक साहब ने कहा, सदड़े देण वाले नूं चेते कर, तेरे लिए मौत भी इस तरह बन जाएगी जिवें विआह दा सोहला हुंदा है। तेनूं मौत विआह के लै जाणा, तेरा संबत साह लिखिया होया है। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਨੀਂਦ ਛੋਟੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ते उस दे व्याह वेले मिलाप दा ते विछोड़े दा दोनों गल्लां दा एहसास हुंदा है। मिलाप दा चाह हुंदा है ते विछोड़े दा बैराग बिरहा हुंदा है। उस विच चाह इस गल दा है कि बच्ची ने अपने पति दे घर भी जाना है, ते बिरहा इस गल दा है कि जिस घर दे विच इन्ने साल इन्ने बतीत कीते ने, इन्ने मापियां दे घर नूं अज छड़ देना है, इस घर विचों इहदी विदायगी होवेगी। इस करके ये मिलाप दा ते बिरहा दी उस वक्त माहौल हुंदा है। ते उस बच्ची दे विआह तो पहला कुछ दिन रिश्तेदार बीबियां पिंड दियां मोहल्ले दियां कट्ठियां हुंदियां ने, ते उहदे केशां दे विच तेल पांदियां ने। उहनूं तेल चढ़ाउणी भी कहिंदे ने, माइए पाणा भी कहिंदे ने, क्योंकि अज इहदी व्याख्या होणी है। उस तों बाद उहनूं असीसां दिंदियां ने, उहदे सुहागण होण दी कामना करदियां ने। मेरे सतगुरां ने इत्थे सानूं समत दित्ती है। कहिण लगे, भाई जे तुसीं सोहला गाउंदे हो, मंगलमय गीत गाउंदे हो, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਜੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਓ, ਅਤੇ ਗਾਓ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਣ। महाराज जी ने कहा सोहेला, इहदा अर्थ कीता है मंगलमय गीत, व्याह वेले बच्ची लई गाया जाण वाला सुहाग, राग गौड़ी दीपकी महला पहला। गौड़ी दीपकी राग विच ये शब्द है, ते महला पहला दा अर्थ है धन गुरु नानक साहब ने उचारण कीता है। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद,
पार ब्रह्म परमेश्वर एक है ते उस दी प्राप्ति उहदे मिलाप दा जिहड़ा वसीला है वह सतगुरु प्रसाद है, सतगुरु की कृपा है। आरंभ विच सतगुरां ने फरमाया कि जय घर कीरत आखी है, ये अर्थ भावें असी कल कीते सन ते मेरी इच्छा सी भी आपां इस लड़ी नूं थोड़ा जे समय लई जिहड़े अर्थ कीते उन्हां नूं फिर दोहरा लईए। जय घर कीरत आखी है, इहदा जय दा अर्थ जिस घर दा अर्थ टिकाणा ते कीरत दा लफ़्ज़ी अर्थ ते सिफत सलाह करनी, कीर्तन करना, सिमरन करना। इत्थे फिर भाव अर्थ आपां लिया सी कि जिस सत संगत रूपी घर दे विच करते दी कीर्ति होवे, जिस अस्थान ते परमात्मा दी सिफत होवे ते ना शब्द करते का होए विचारो, उस दे गुणा दी विचार होवे, उस दी सिफत होवे, उस सत संगत घर। अगे गुरु जी ने फरमाया तित घर गावो सोहेला। फिर याद रखियो जय घर तित घर, कि जिस घर विच करते दी कीर्ति होवे उस घर दे विच तुसी सोहेला गाओ, परमात्मा दे मंगलमई गीत नूं गाओ, इहदा सिद्ध अर्थ कीर्तन करो, सिफत करो। तित घर गावो सोहेला। अगे जी किवें गाइए, हजूर कहन लगे सिवरे हो उहनूं सिमरो। मैं उदन कहा सी जदों इह पाठ दुबारा आएगा ना गुरु ग्रंथ साहिब च, उत्थे गुरमुखो सिवरो है, इत्थे सिवरियो है। हजूर शब्द वरत रहे ने कि तित घर गावो सोहेला सिवरिहो सिरजनहारो, जिस परमात्मा ने सब कुछ सिरजिया है उस सिरजन वाले परमात्मा नूं सिमरो, उहनूं याद करो, इह सोहेला। अगे फिर फरमाया किहदा सोहेला, वेखो फिर याद रखो, पहला सी करते का होए विचारो, उस घर च गाओ। अगे गुरु जी कहिंदे तुम गावो, फिर सानू समझांदे पैने सिखो गल सुनो, तुसी गावो किहदा सोहेला, मेरे निरभाओ का सोहेला, जिसनू कोई भय नहीं, भय तो मुक्त है। उंज याद रखियो कई वारी बंदे उस्तत झूठी करदे आ, उह भी सोहेले विच आ जांदा है, ये फलाना बंदा तां उहदे सोहेले गाउंदा पिया है। रात मेरे मन च आया कि यह सोहले दे अर्थ जुल्म नाल भी बाणी विचाए ने, जिथे सोहला मंगलमय गीत है ना, ये उत्थे एक बचन आउंदा खून के सोहले गावियां नानक रत का कुंगू पाए वे लालो, उत्थे खून के सोहले क्या है। ते जदो ओ होर भी सानू सौखे हो गया अर्थ करने क्योंकि हिंदूइज़म च बीबी दे जां सुहागण जिहने बनना है उहदे सिर दे विच केसर दा लाया केसर दिता जांदा है, सुहाग दी निशानी उहदी, संदूर भरिया जांदा है जी मांग दे विच जिहनूं कहिंदे आ। उत्थे सतगुरां ने कहा कि बाबर आ गया है, ते उत्थे जिहड़ा हालांकि इस नाल कोई संबंध नहीं उस विचारधारा दा, पर सोहले शब्द दे अर्थ सानूं उत्थों भी लभ गए कि सोहले दा अर्थ मंगलमय गीत। इत्थे महाराज जी ने कहा विआह वेले खुशी दा गीत गाया जांदा है, ते बाबर आया वेखो ए हुण खुशी दे गीत दी थां खून दे सोहले गाए जा रहे, कतल हो रहे ने, इत्थे मौत दा सोहला गाया जा रहा है। खून के सोहले गावियां नानक रत का कुंगू पाए वे लालो, इहदे विच इक होर बचन हुंदा है, उह वी विआह नाल संबंधित है, काजियां बामणा की गल थकी, क्योंकि मुसलमान इस्लाम दे अंदर काजी निकाह करांदा है ते हिंदू धर्म दे अंदर ब्राह्मण जिहड़ा वह वेदी राही फेरे करांदा है वेद मंत्र राही। महाराज कहिंदे ने जदों खून दे सोहले गाए जा रहे ने, मांग भी संदूर भरन की थां सिर जिहड़े ने खून नाल भिज्जे पए ने, इत्थे कोई काजी निकाह नहीं पढ़ा रहा, कोई ब्राह्मण फेरे नहीं करा रहा, इत्थे अगद पड़े शैतान वे ला लो, इत्थे बाबर की शैतानियत जिहड़ी है उहदा शैतानपुड़ा जिहड़ा उही विआह कराई जा रहा है। इहदा मतलब यह हो गया भी स्पष्ट हो गया भी सोहले का लफ़्ज़ी अर्थ यही है जी जिहड़ा गीत विआह वेले गाया जाए। महाराज कह रहे ने तुम गावो, तुसी गाओ मेरे निरभउ का सोहला, उहदा सोहला गाओ जिहनूं कोई भय नहीं, जिहनूं कोई डर नहीं। अगे फिर सतगुरु बचन कर रहे हैं, इस नूं फिर सुनियो, सोहला सिफत है, करता उहदा सोहला हो रहा है,
निरभउ दा हो रहा है। महाराज कहिंदे ने सिखो जे सोहला गाणा है ते सोहले तो भी कुरबान जाओ जिदे गाउण दे नाल अंदर नूं शांति मिलदी है। इस बरीक गल नूं फिर मैं रिपीट करांगा कि सोहले तो भी कुरबान जाना। तुम गावो मेरे निरभउ का सोहला हौ वारी जित सोहले, मैं कुरबान जाना जित सोहले। जिस गीत तो जिहड़ा गीत गाया जाना परमात्मा की याद च, महाराज कहिंदे ने हौ वारी जित सोहले सदा सुख होए, मैं उस नाम तो भी कुरबान जाना। जो आप जी पाठ कर दे तिलंग राग च महाराज जी का शब्द है, जिथे परमात्मा तो कुरबान जाया जाता है गुरमुखो तो नाम तो भी कुरबान जाया जाता है। हौ कुरबाना जाओ मेहरबाना, हौ कुरबाना जाओ, हौ कुरबाना जाओ तिना के लैण जो तेरा नाओ, लैण जो तेरा नाओ तिना कह हौ सद कुरबाने जाओ। जपन वाले तो भी कुरबान जा रहे, इत्थे गुरु जी कहिंदे मैं कीर्तन तो भी कुरबान जा रहा, सिव तो भी कुरबान जा रहा। ये असी कल तखर तो वाचे सन, ये रहाओ दे बचन ने। अगले जड़े ये अर्थ और व्याख्या, नित नित जीअड़े संभालियन। नित का लफ्जी अर्थ आप सारे जानने जी, रोज़ रोज़ रोज़। तो महाराज कहिंदे ने कि जीअड़े, जीअड़े का लफ्जी अर्थ है जीव। याद रखियो जीए का अर्थ आत्मा भी है, जीअरे ओला नाम का। इत्थे जीअड़े का अर्थ आपां अपनी आत्मा नहीं करने, इहदे लफ्जी अर्थ ने जीव। नित नित जीअड़े संभालियन, संभालियन दे लफ्जी अर्थ बड़े सौखे ने, संभाले जांदे ने, उहनां दी रोजी का प्रबंध वाहिगुरु करदे ने। नित नित जीअड़े संभालियन, रोज़ रोज़ जिन्ने जीव परमात्मा ने पैदा किए ने हर जीव की संभाल वाहगुरु जी कर रहे ने। नित ने जीड़े संभालियन, अगे बचन है देखेगा तू चिंता ना कर, वो वेखेगा वो संभाल कर रहा है, तू चिंता कर रहे हैं कि देखेगा वो वेखेगा वो संभालेगा। कौन जी? देवनहार जिहड़ा सारिआं नूं रिजक दिंदा पिआ ना, मना वो तेनों भी जरूर देगा क्योंकि वो सुभा ही है हर एक जीव की संभाल करनी। मैनू इंज प्रतीत हों जी, जो ये तुकां विच आईआं ना जी, सोहला तो आ गया, अगे संबत साहा विआह की गल भी हो जानी, पर जो ये शब्द कहे नित नित जीअड़े संभालियन, आपां किरती हाँ आपां गृहस्थी हाँ। जो बंदा रात नूं बैठदा है कई बार अंदर चिंता खाती है, जे घर रोटी ना पकती हो अंदर भय खाता की बनेगा मेरी रोटी का, की बनेगा मेरे बिजनेस का, की बनेगा मेरे परिवार का। मैनू लगता है इत्थे सतगुरु ने रात को सौन लग्या ये फुरना लाए के ना सौवी कि हाए मेरी रोटी, बड़ी वड्डी गल करती। हालांकि गल चलती पी विआह दी, ते वेचे दे रिजक का जिक्र आ गया। फिर बेनती सुनियो, तो मैं यतन कर रहा वा कि आपां अर्थां वल ज़्यादा जाने, जिथे लोड़ पै गई आपां प्रमाण भी बाणी चों लाँगे, साखियां भी लाँगे, पर अपना मकसद है गुरमुखो। जे इस वारी मैं आप विचों तां बहुत सारे जानते ने अर्थ ना जी, मैं सहना कि जे इस वारी की कथा च संगत की सेवा मैं एक एक शब्द के अर्थ ही कर जा, तो सानू सारी जिंदगी अर्थ चेते रह जाण, समझो अपना इस वारी कथा करनी सफल हो जाएगी। मैं इस करके रिपीट कर रहा वार वार अर्थ, नित नित जीअड़े संभालियन, वो रोजाना संभाल कर रहे जीवां दी। ते महाराज कहिंदे देखेगा देवनहार, वो जिहड़ा सबनूं देण वाला है ना, तेनू भी देखेगा, दा मतलब तेरी संभाल करेगा, तेनू भी संभालदा है। देखेगा देवनहार, ते अगला वेखो क्या बख्शिश कीती, क्योंकि मन दा सुभाग है जिहड़ी चीज़ मिल जांदी है ना उधर नहीं ध्यान देंदा, तू बड़ा परोपकार किया, जिहड़ी नहीं मिलती ना उहदे वास्ते उतावला भी हुंदा है, कल्पदा भी। सिर्फ पहला अर्थ कर रहे हैं, जे व्याख्या नहीं तुक दी। महाराज कहिंदे तेरे दाने, इत्थे मैं बेनती करांगा जदों भी पाठ करना है इहदा अर्थ नन्ने नूं दुलावां ला के करना है, दुलावां लगियां ना दाने, दाने नहीं करना। जे दाने अर्थ किया तो अर्थ बदल जाने ने, तू दरियाओ दाना बीना, दाना ये परशियन का शब्द है, यदा अर्थ है सियाणा,
भाई नंद लाल साहब ने वह शब्द वरत्या दिल अगर दाना बवद अंदर कनार यार हस्त, पर यह जरा शब्द है तेरा तेरे रारे ना लाएक तेरे दाने कीमत ना पवे तेरे ते थोड़ा जहा आप रुक जाएंगे अर्थ होर सुख हो जाएंगे। इस फिर सुनियो जी कि तेरे दाने कीमत ना पवे, इत्थे तेरे दा अर्थ कुछ गुरमुख टीकाकारा ने परमात्मा नू संबोधित शब्द वरते है कि तेरे दान दा नहीं प्यारे हो, ज्यादातर अर्थ कीता है बंदे नू गुरदेव समझा रहे ने तेरे दर्थ तेरे कोलों बंदिया तेरे पासों दान कीमत ना पवे, वो जो कुछ परमात्मा ने तेनू फ्री दान विच दे दिता तू तो ओदी कीमत नहीं तार सकदा। तिस दाते कमन सुमार, इत्थे शब्द सुमार है परशियन दा शब्द है शुमार, शुमार दर्थ गिनती हुंदे बेशुमार, तेरे इदर्थ बंदिया तेरे कोलों दान कीमत ना पवे। मैनू इंज लगा जदों बड़ी बारी मैं कथा कीती जी सच्ची तुहानू दसां, मैं जदों रात पैन लगा ते मन ने क्या मना ये तुक सतगुरां ने क्यों रख दिती, क्योंकि अक्सर बंदा रोजी जी चिंता विच सौंदा है, सारे नहीं बहु गिनती च। महाराज कहिंदे जो तैनू दिता है तेरे कोलों दान कीमत ना पवे, उस दे दिते हुए दान की कीमत नहीं पै सकती। महाराज कहिंदे तिस दाते कवन, नाणे नाल बोलना कवन, कवन नहीं, तिस दाते कवन सुमार, ओ भलिया ओदी तां दित्ती दात की कीमत नहीं, ते दाते की गिनती कर सकेगा, ओदा तू कोई अंत पा सकेगा, ओदी कोई अंत नहीं। थोड़े जे दी हुण व्याख्या आपां कर लईए कि नित नित जीअड़े संभालियन, इत्थे सतगुरां ने यह नहीं कहा मनुख संभालियन, यह नहीं कहा बंदे तो कल्ले बंदियां नूं सांभदा है, नहीं प्यारे हो वो जीव सांभदा जीवां नूं। सतगुरु की बाणी च बचन है कि परमात्मा दा इस बिरद है जी, देखो वो प्रेम स्वरूप है ना, वो बिल्कुल हंसियारा नहीं कसाई नहीं। मैं तो कई बार सोचना कि जिन्ने मर्जी गुनाह अचेत होए होण जदों जाग आ जाए वो चरण पकड़ के कही बापू बहुत गलतियां हो गई बख्श दे, सच्ची मुची अथरू डिगद्या सार सीने ना ला लेंदा है, क्योंकि ओदा हिरदा पग पिघल जाता है, वह बहुत दयालु है। हुण उसने की किया, महाराज ने कहा नित ने जीड़े संभालियां। एक दिन नहीं प्यारियो याद रखियो, मैं होर आपनू बेनती करा नित नित ना नित नित तो मापे भी औलाद नू नहीं जे सांभ सकदे, फिर बेनती है मान लो अपने घर न्याणा कोई काम नहीं इतों का तो सिस्टम ही हो जाए ना, अगले नाल ही कहते चल बार, हाँ जी इस तरह ही तो वह पहले ही तैयार बैठे होंगे ने अपने बैग बूग तैयार करके, वो कहना भी नहीं पैंदा। तो मैं चलो सिस्टम हर एक मुल्क का आपू अपने गुरु साहब ने याद रखियो सानू हक की गल भी की है भी हर इंसान का हक उन्हूं मिलना चाहिए है, ह्यूमन राइट्स हैं, मनुखी हकों के सब तो पहले शहीद गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने, कल जबान सैमीनार बोलने वाले नहीं भी मनुखी हक बाजन प्रदर्शन करने वाले नहीं कि मनुखी हक चाहिए ने, सब तो पहला जे मनुखा के हक लई अपना सिर तली ते रख के दिल्ली पहुंचे तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने, मनुखी हक है ना कि हर बंदे नूं धर्म आजादी नाल जीन की खुल होनी चाहिए, आजादी नालों जी सके, पर राइट ते फर्ज दो चीजा ने ना। कई बार अगे भी कहा अज स्कूलिंग है बच्चे तेरा आ हक है आ मापिया लिए आके आ तेरा आ हक है, पर गुरमत कहती है हक सिखाण तो पहला उन्हों फर्ज जरूर समझाओ कि जिनके जने बडीरे तुमको तीन सौ झगरत पाप, यह तेरा फर्ज भी है कोई, जिस मां ने तेनू कुख च इन्ने महीने रख के उहदा दूजा जन्म हुंदा है, सच जे हर बच्चे दे नाल मां जमदी है इस्त्री है, पर जिस वक्त तो कुख विच बच्चे नू जन्म देंदी है आ मैं क्या हर बच्चे नाल जिस बच्चे दा जन्म हुंदा है वह जदों मां कहिंदा है माता कहिंदा है प्यारियो सच एवे कला बच्चे का जन्म नहीं होंदा एक मां की शख्सियत का जन्म होंदा मर के जन्म लेंदी है।
फर्ज की है साडा। खैर इत्थे मैं बेनती करांगा जी, इत्थे दुनिया च नित नित कोई किसे नूं नहीं जे संभालदा, कोई टामा टामा लोग पैसे मंगदे आ। तुहाडे इस अपने मुल्क च देखो तुसीं इत्थे वी कि जे किसे बजुर्ग नूं बिरध आश्रम छड्ड दित्ता पैसे देने पैंदे आ ना, चाहे गौरमेंट दे चाहे परिवार दे, वो संभालदे ने। गुरमुखो बच्चों नूं वी असीं अक जाने आ कई वारी कि नहीं हुण तूं अपना आप सोच, असीं थक गए साडे कोल इह नहीं। महाराज कहिंदे ने सौं लग्गिया चेते रखी, वाहिगुरू ओ बाप है जिहड़ा कदी नहीं थकदा ते कदी नहीं अकदा, वो रोज़ संभालदा है, नित नित जीड़े संभालियन, ते वो प्रेम स्वरूप ऐसा है, उन्हें वजूद बाद विच जन्म दिता है, पहला उन्हें तेन रोजी दिती, पहलों देता है रिजक समाह, पिछों देता है जंत उपाहा। पहला परमात्मा ने रिजक पैदा किया, उस तो बाद परमात्मा ने जी पैदा किया, क्योंकि उन्हें फिक्र है मैं इहदी संभाल करनी। थोड़ा जिहा एक होर बचन गुरु गोबिंद सिंह जी का, यह पवित्र अकाल उसद का सवैया, दिनन की प्रतपाल करें नित संत उबार, गनीमन गारे पश पशु नग नागन राधव, सर्व समय सब को प्रतपाल है, वह सारिया थावां ते हर वेले सब की प्रतपालना करता है। पोकत है जल में थल में पल में, कलके नी गर्म कर्म विचार है, दीन दयाल दया निध दोखन देखत है, पर देत नहार है, नित नित जीड़े संभालियन। उन्हें पता है बंदा गुनाह कर रहा है, वाहगुरु जी गुनाह कर रहा है, तो फिर भी वेखो दई जांदा है, क्योंकि वह अपना सुभा नहीं कदी त्यागदा हुंदा। गुरदेव इत्थे कह रहे नित नित जीड़े संभालियन, सबनों सांभ रहे। थोड़ा जिहा एक बचन होर असी लै लैने, वैसे बड़ी बारी आपने सांझा किया तो यत्न ही रहिंदा कि आपां बाणी च ही रहिए, इह सौख रहिंदी संगत च। भगत धन्ना जी का शब्द नित नित जीड़े संभालियन, उस विच तुसीं देखो राग आसा दा शब्द है, उस विच भी इस चित नूं मन दे उठदे फुरनियां नूं समझा दे, रे चित चीतस कीने दयाल दमोदर, बिबह न जान से कोई, नित नित जीड़े संभालियन, रोज सामदा है। भगत धन्ना जी कह रहे आ रे चित ओ मेरे चित, चेतस की नहीं दयाल दमोदर, तू दयालु परमात्मा नू क्यों नहीं चेते करदा। दमोदर दे लफ्जी अर्थ वैसे हुंदे ने जिदे उधर दे दुआले काली तड़ागी हुंदी सी, दमोदर उधर दुआले जे धागा बांधे सन। महाराज कह रहे रे चित चेतस की नहीं दयाल दमोदर, बिबह न जानस कोई, उस रब तो बिना तेरी किसे ने सार नहीं लैनी, उस तो बिना तेन किसे नहीं संभालना। रे चित चेतस की नहीं दयाल दमोदर, बिबह न जानस कोई, जे तावें ब्रह्मांड खंड को करता करे सो खोई, तू किते चला जा, तू खंड ब्रह्मांडा दे विच भटक जा, जो करते पुरख वाहगुरु नूं पाउंदा है वह कुछ ही होना है। महाराज कहिंदे जे तावें ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई, अगे जननी केरे उधर उदक में। इस बेनती नूं सुणियो गुरमुखो ध्यान नाल, नित नित जीड़े संभालियन। इत्थे उन्हां शब्द वरत्या जननी दा अर्थ आपां जाणदे आ जन्म देण वाली मां, उधर दा अर्थ पेट, जननी केरे केरे दा अर्थ उहदे विच उहदे जिहड़ा पेट है, जननी केरे उधर उदक में, जिस वक्त इंसान तेरा जन्म नहीं सी होया, मां दे उधर दे विच जिहड़ा पानी विच तू सैं, वह ब्लैडर जिहड़ा तू पुठा लटकिया सैं पानी च, उत्थे तैनूं रिज़िक कौन देंदा पिया सी। जननी केरे उधर उदक में, पिंड किया दस द्वारा, उस पानी च चेहरा पिंड विकसित होया, पिंड दा अर्थ शीर, आ दस द्वारा असीं जाणदे हां अखां नक कन्न जिहड़े तकरीबन नौ दरवाजे दिसदे ने, दसवां गुप्त है। पर महाराज कहिंदे उदों ही बना दिता उहने, जननी केरे उधर उदक में, पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अग्न में रख है, नित नित जीड़े संभालियन। वह मां दे उधर दे विच उस अग दे विच भी आहार दे रहा है, तेनू भोजन दे रहा है। महाराज कहिंदे नित नित संभालदा। ते गुरमुखो किन्ने बंद, ये सिर्फ मनुखी गल कर रहे हैं, आप बंदे दी जात दी गल कर रहे हैं। इस वक्त इस धरती ते किन्नियां बीबियां मावां ने जिन्हां दे उधर दे विच बच्चियां दा विकास हो रहा है, कुर्बान जाइयो रब दे कोलों,
हर थां ते हर बच्चे नूं रोजी पहुंचांदा पिया। सिर्फ आदम जात की गल कर रहे हैं ते किन्ने कु जीव ने जिहड़े सानू नजर नहीं आते पे, किन्ने पंछियां दे आंडे, किन्ने पशु ने, किन्ने पानी च ने, सच्ची मुची कोई गिनती मिनती नहीं कर सकता। पर महाराज कहिंदे ने वेखो बंदिया, वह हर एक जीव नूं संभालदा पिया है। रिचित चित सकीनी दयाल दमोदर बिबह न जानस कोई, जे तावें ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई, जननी केरे उधर उदक में पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अग्न में रख है ऐसा खसम हमारा। हुण अगला बचन मैं एक बारी दी व्याख्या कर दिया, क्या सी जी इस विच तर्क दी गुंजाइश है। जे कोई बंदा तर्क करन ते आ जाए ना जी, कुछ नहीं सिद्ध हुंदा हुंदा तर्क नाल। जदों बंदा धार ही लै कमर कस्सा करके मैं हर गल नूं निंदना ही निंदना है। इस करके परमार्थ कमाण वालिया ने कहा, जिहड़ा हर बंदा हर गल नूं खंडन करदा पिया, तू अपने आप नूं बचाई। बहुत बातां जाणे वो हर दरगह है भ्रष्टी। ये गुरु ग्रंथ साहब कहते नगुरा किन्नियां गल्लां जाणदा है। मैं फिर बेनती करांगा, तर्क की थां है, महाराज ने किते तर्क। ये जनेऊ जी का खई तां पांडे घत, पर जिथे चंगी गल मिलती है उन्होंने भी अपनी खौमे नाल कतर देना, खत्म कर देना। इत्थे एक हो सकता इंसान कहे देखो जी ये सिस्टम कह, ये नेचर कुदरत कहिंदे आ ना, अजकल कई रब ही कुदरत बन गया। अज ये जी नेचर का सुभा है, ये कुदरत का सुभा है। गुरमुखो याद रखियो, गुरबाणी कुदरत की गल करती है दो दो अर्थां विच। एक कुदरत की गल करती कायनात विच, हाँ, दूजी कुदरत दे अर्थ करती है बाणी जोर विच। कुदरत कवन कहा विचार मेरी की ताकत, इत्थे कुदरत अर्थ ताकत, ते दूजे पासे बलिहारी कुदरत वसिया। हाँ जी, उत्थे महाराज ने आ बाहर दी कायनात का जिक्र कर रहे हैं। मैं फिर बेनती करांगा, ये होवेगा जी बच्चा जी तुसी कह दिता माँ है ते तां ही रोजी मिलती पई है ना। जो बंदा यही कहे भी कित्थे परमात्मा दिंदा, माँ खांदी तां मिलदी। उंज वैसे याद रखियो, एक एक चीज़ नूं पिछोकड़ चल पई है ना, अखीर ते बंदा रब नाल ही जुड़दा है। प्रिंसीपल गंगा सिंह हुणां दा एक बहुत सोहना ख्याल कह लो, उन्होंने लिखित भी सी। एक बंदा खिड़े हुए फुल नूं तोड़न लगा, उन्हें चाकू पकड़िया, यह है उन्हां दा ख्याल ही। ते जदों तोड़न लगा फुल नूं ते उह फुल ने कहा कि मेरा खेड़ा तेरे तो बर्दाश्त नहीं हुंदा, ते उह कहिंदा इसे करके तेनूं तोड़न लगा, तू खिड़िया होया तेरे च सुगंधी है, तेरे च तेरी पत्तियां जिहड़ियां ने कोमल ने मुलायम ने, ते फुल अगो कहिंदा मेरियां कोई नहीं हो, जे सुगंधी करके मैनूं कट्टन लगा है ना, ये टाणी दियां नहीं, क्योंकि टाणी च मेरे कोल आउंदा पै सब कुछ। तो उस बंदे ने कहा जे टाणी च आपां टाणी कट लैने आ। सिर्फ गल समझाने लई विद्वान बंदा सी ना, वह कहिंदा आपां टाणी कट लैंदे, जदों टाणी नूं कट्टन लगा तो वह टाणी पुछदी मेरा की कसूर, कहिंदा फुल कहिंदा पिया सी ये सुगंधी ये खुशबू ये कोमलता तेरे विचों आई है, मैं तेनू कट्टन लगा। टाणी अग्गी कहिंदी ये फुल बेचारा भोला, इहनूं पता नहीं ये तने विचों सब कुछ आउंदा, ये मेरे कोलों नहीं, ये तने विचों में। उन्हें कहा फुल गुलाब दे दा तना किन्ना कु वड्डा, कोई टाली जिन्ना थोड़ा है, चाकू नाल कट्टिया जा सकदा। उन्हें जदों तने नूं हत्थ पाया ते तने नूं सवाल कीता कि उन्हें कहा टाणी कह रही है कि खुशबू सुगंधी सब कुछ तेरे कोल आउंदा है, तना कहिंदा है भोले नहीं दोवें, ये मेरे कोलों नहीं आउंदा, जड़ां चों सब कुछ आउंदा है, ये जड़ करके है। वह कहिंदा चलो जड़ समेत पट लैने। वो जो जड़ वाल हाथ पाता है तो जड़ अगो कहती नहीं, तने नूं भी नहीं पता, ये मेरे करके नहीं, ये मिट्टी करके है। याद रखो मिट्टी है तो जड़ विकसित होगी। उन्हें कि चलो मिट्टी समेत ही गच लेने, गच दे होंगे सन पहला, मिट्टी समेत पाल लेने। वो मिट्टी ने कहा जड़ नूं भी नहीं पता, मेरी कली की कोई हस्ती नहीं, जे पानी है तो जड़ है। उन्हें कहा फिर पानी कितों फुल तो तुरिया, पंखड़ी तो तुरिया, टाणी वाल टाणी तो, तने वाल तने तो, जड़ वाल जड़ तो, मिट्टी वाल मिट्टी ने क्या पानी। उन्हें फिर पानी, उन्हें समान वाल देखा तो बदल बनया हुआ सी,
उन्हें बदल वाल देख क्या तेरे चो सुगंधी पिछोकड़ कितने पहुंच गया तेरे करके। कहने बदल ने गरज के क्या नहीं इन्हों सारिया नू कोई पता नहीं मेरे करके नहीं मेरा वजूद ता है जे सूरज गए तो क्योंकि सूरज भाप बन के उडेगा पानी समुद्र चो मैं ता जे सूरज कहे उन्हें क्या सूरज तो इन्ना कुछ उन्हें सूरज वाल झाती मारी वह कहता सूरज कूक के बोलिया नहीं मेरी हस्ती कुछ नहीं मैनू भी कुछ सुखा सकता है मेरे तो वड्डा सूरजा का सूरज रब सारी सुगंधी वो आती है नमो सूरी सूरज है। वेखो एक मैं ता क्या भी एक एक सरे नू पकड़ लो एक बिंदु नू पकड़ लो सानू कित्थे लैके जाएगा परमात्मा वाले पासे जे इंसान जांदा फिर मैं बेनती करांगा नित नित जीड़े संभालियन रोज वो संभालदा पिया है मां दे उधर संभालदा है। ते अगला सवाल कर सकदा जे मां ही ना होवे जे मां बच्चे वख होण दोवें अगे फिर भगत जी ने कहा कुम्मी जल मैं तंत सबाहर कछू कुम्मी पानी च है कुम्मी दर ते कछू कुम्मी पानी च है तन तिस बाहर उहदे आंडे बाहर ने जिस चो बच्चा बच्चे की पैदाइश होनी कुम्मी जल मैं तन तिस बाहर आंडे उहदे बाहर ने पंख खीर ते ना की उहनां नूं ना खंभ ने ते ना उहनां नूं किसे ने खीर दर ते दुध पिया देना खंभ कोई नहीं आंडिया नूं। अगे की जी वह कछू कुम्मी जदों आंडे वल ध्यान टिकांदी है यह भी परमात्मा की दात है वह जो ध्यान टकाती है अपने आंडे वल मूँह करके मूँह च पानी दे बूंदा उधर सड़ती है सच एवे कि उस आंडे विच पए हुए बच्चे का शरीर विकास करता उदा अंग बनते हैं। धन्ना जी कहने देखोए कला इंसान की माँ दे उधर च रोटी नहीं देंदा वह तो कछू कुमिया के आंडिया भी पलते हुए बच्चों सामदा पिया है कुम्मी जल मैं तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। हुण अगली गल पाखन कीट गुप्त होए रहता पाखन दर्थ आप जाने पत्थर पत्थर दे विच कीड़ा है वह दिसदा नहीं गुप्त है। मैं इस तुक ते अर्ज कर रहा नित नित जीड़े संभालियन पाखन की पाखन कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही पत्थर विच ते रस्ता भी कोई नहीं। महाराज कहिंदे ने कह धन्ना पूर्ण ताऊ को नित नित जीड़े संभालियन ओ ही पूरा है कह धन्ना पूर्ण ताऊ को मत रे जी डराही मना तू ना कल्पी जाई ओ नित नित सब नू सांभदा पिया है। मेरे कहन तो मुराद हजूर सौन लग्या यह भी एक चिंता दूर कर है बड़ी वड्डी गल है सौन लग्या कि नहीं नहीं परमात्मा तेनू देगा ना रिजक दस्त आ कसे गुरु नानक साहब का श्लोक है परसियों का है ना रिजक दस्त आ कसे हमा रा एक आस वसे देहांत सुई एक तुई पिरंदा ना ग्रह जर पंछियां दे आलने ने कोई पैसा नहीं कोई अन्न नहीं परंदे ना ग्रह जर दरख्त आब आस कर पानी है रुख ने पर उन्होंने भी देने वाला परमात्मा इत्थे गुरु जी मंगलमई गीत दे विच विच साड़ी जड़ी वो चिंता खारी है ना कर चिंत चिंता है करता है हर देवे जल थल जनता सब तै। महाराज कहते नानक चिंता मत करो ये मैं रात भी क्या सच्ची मुची अद्धे ज्यादा बॉडी दियाँ बीमारियां रात में सौन लग्या चिंता विच आई हुई नींद करके जब चिंता तो रोके मैं एक रात क्या जे शब्द नू याद करदिया सौवेगा तो शब्द अपना काम करेगा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड च जो बोल लग्या रात नू सौन तो पहला बोलिया सोचिया वह काम करेगा तो जे रात नू सौन लग्या उस अचेत मन दे विच चिंता पा दित्ती याद रखियो जिन्ना शब्द बाणी बंदे नू आरोग करेगी सौन लग्या उन्ना चिंता दे फुरन रात नू बीमार भी करनगे। ये सतगुरु ने कहा सौन लग्या पढ़नी है बाणी इत्थे हजूर समझा रहे ने कि यह भी चिंता कि की बनेगा गुरु जी कहते नहीं वह सब नू रोजी दिंदा पै नानक चिंता मत करो चिंता तिसिए जल मैं जंत उपायन तिना पी रोजी दे उत्थे हट ना चली ना को किरस करे उत्थे कड़ा कोई हाथियां बांधा पै
सौदा मूल ना हो भी ना को लय ना दे जिया का आहार जी खाना ए करे नित नित जीड़े संभालियन सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आ गए कर तरिया। दास ने एक बार बेनती की किसी बादशाह ने किला बनाया ते बड़ी मेहनत ला के कई साल लगे पत्थर घड़ घड़ के कंधा बनाइया। उदा गुरु आया किते मुरशद उदा उन्हें किला दिखाया ते नाल कहिंदा महाराज जी आ देखो आपां किला बनाया किन्ने साल किन्निया बंदियां नूं रोटी मिलदी साडे करके। ये शब्द निकल जांदे बंदे तो अपने करके रोजी रोटी मिली जी किला तो देख लिया उहदे मुरशद ने। उन्हें जदों वार वार फिर कराया जी इन्ने हजार मजदूर नूं काम मिलिया रोटी मिली वह रुक गए कहन लगे आ पत्थर का टुकड़ा कहिंदा ये जदों पत्थर घड़िया सी ना ये अद्धा क बच गया है कहिंदे इहनूं तोड़ेगा। वह राजा जिहड़ा सी उहने जी हथौड़ा मंगाया कहिंदा तोड़ना तू ही है। उन्हें जदों तोड़िया पत्थर तो वह पत्थर दो टुकड़े हो गया उहदे विच कीड़ा सी ते मुरशद कहिंदा पत्थर लाने वालियां नूं तू रोटी देंदा रहा है ते जिहड़े पत्थर लगदे सन विच कीड़ा सी उहनूं रोटी कौन देंदा पिया सी। तू ये कहा भी मैं रोजी दित्ती मैं किरत कीती। महाराज कहिंदे नहीं नित नित जीड़े संभालियां वह रोज सांभदा पिया खिन खिन सांभदा प्यारे वो रोटी आ जिन्ने असीं बैठे हाँ सानूं सांभ नहीं रहा। जे मान लो आ ही साह जिहड़े साह आपां लै रहे हां यही सह बंद हो जाए भी तो संभाल है ना सब नू सांभ रहे नित नित जीड़े संभालियन। तो महाराज कहिंदे ने कि भाई सजना देखेगा वेखदा पिया देखेगा देख रहा है। महाराज कहिंदे कौन देवन हार देन वाला देखता पिया है। अगली गल तेरे वो तेरे कोलों मैं अद्धी तुक दे अर्थ कर दिते तेरे तेरे कोलों फिर याद रखियो इस अर्थ नूं भुलना नहीं इत्थे तेरा दाने दर तेरा दान नहीं तेरे कोलों इंसान तेरे कोलों दाने कीमत ना पवै तेरे कोलों बंदिया उस परमात्मा दे दित्ते हुए दान की कीमत नहीं पैनी। तिस दाते कवन शुमार उस देन वाले दाते दा की शुमार उहदी की गिनती। थोड़े जिहे दे अर्थ भी आपां करने ने दसो दे दान की कीमत पै सकती है जी। क्योंकि जिहड़ा बंदा परमेश्वर ते आस्था रखदा है ना वह हर चीज़ नूं परमात्मा नाल जोड़ के उहदे गीत गाउंदा है। आप रोज जपजी साहिब च पढ़दे हो गावै को दात जाने निशान कोई गाउंदा पैस करके दात तेरी निशानी है तुसीं दित्ता आपां की उस दी कीमत दान की कीमत पा सकने जी। एक शब्द है वैसे भाई साहब की पौड़ी है ध्यान सुनो रक्त बिंद कर निम्या चित्र चिलित्र बचित्र बनाया गर्भ कुंड विच रखिया जियो पाए तन साज सुहाया मूँह अखी दे नक कन हाथ पैर दंद वाल गनाया दिष्ट शब्द सुरत गत लिव। महाराज कहिंदे ने कि उस परमात्मा ने दिष्ट शब्द गत सुरत लिव राग रंग रस परस लुभाया उत्तम कुल उत्तम जन्म परमात्मा ने रोम रोम गण अंग बनाया बाल बुद्ध मूह दुध देकर मल मूत्र सूत्र विचाया होए सियाणा समझिया करता छड कीते लपटाया गुर पूरे बिन बोया माया। पौड़ी आपां पढ़ दित्ती दे अर्थ की ने गुरमुखो सब तो पहला है रक्त बिंद कर निम्या आ सब तो पहली दात तेरे दाने कीमत ना पवे। मां दा रकत सी पिता दा बिंद सी उहदे विच इह निम्या उहदे विचों अंकुर फुटिया इस बॉडी दा। अगे महाराज के रकत बिंद कर निम्या चित्तर आ जिहड़ा चित्तर बनिया ना साडा सारिआं दा इहने शुरू कीता निक्के जे सैल तों निक्के जे तों जिहड़ा दिसदा भी नहीं अखां नाल चित्तर चलित्र चित्तर ढांचा चलित्र बचित्र हैरान करने वाला चित्र बना दिता उन्हें कमाल कर दिती जिथे जिथे आ जिवें ढांचा बनाया कोई थां उन्हें छड़ी नहीं जिथे खून की नस नहीं जाती पई आ साडी एको ही दबदी पई है बस कराई पई चार पांच साल दी इन्हें सच्ची जे। मैं तुहानूं बेनती करांगा
थोड़ा जिहा इहनूं ध्यान नाल सुणियो। इह गुरु जी रात सौण लग्गिआं कहिंदे ने, सौण लग्गिआं फुरने उलामे दे ना बणाई, तूं मैनूं की दित्ता है, मैं तैनूं सौण लग्गिआं कहिंदा तूं शुकर विच सौवीं कि जो कुछ उहने दित्ता उहदी कीमत कोई नहीं पा सकदा। रखत बिंद कर निम्मिआ चित्तर चलित्तर बचित्तर बणाया, बड़ा सोहणा उहने चित्तर बणा दित्ता, गर्भ कुंड विच रखिआ तेरे दाने कीमत ना पवे। गर्भ कुंड समझ गया आपां, मां दे उदर दा जिहड़ा कुंड है उहदे विच तैनूं रखिआ, जीओ पाए उहने अंदर हरकत पैदा कर दित्ती, जीओ पाए पिंड साह सुहाया उहने जी पा के पिंड बना दित्ता, इहनूं सोहणा बना दित्ता। प्यारे इह उहदा दान है। इह गल होर याद रखिओ गुरमुखो, दान लियाकत विच्चों नहीं मिलदे, दान सिर्फ तरस विच्चों मिलदे आ। दान लई की बंदे की हैसीयत है जी, जिहड़ा मंगण ही तुर गया, मान लो किसी दुकान ते कोई आउंदा जी मैनूं दान करो जी, उहदा दुकान च हिस्सा थोड़ा है, उहदा पैली च हिस्सा है कोई, आप जी दे जॉब विच बिजनेस कोई हिस्सा है, उह कहिंदा मैनूं कोई दान करो। याद रखियो दान च ना गुण वेखे जांदे ना औगुण वेखे जांदे ने, दान देण वाले दी सिर्फ करुणा ही हुंदी है, उहने तरस करके दान दे दित्ता। इत्थे महाराज ने शब्द दाने वरत्या भी उहदा दित्ता होया दान। रखत बिंद कर निम्मिआ चित्तर चलित्तर बचित्तर बणाया, गर्भ कुंड विच रखिआ, जीओ पाए तन साज सुहाया, जिंद पा दित्ती तन साज दित्ता ते सोहणा लगन लग पिआ जी। मूँह अखी दे नक कन हथ पैर दंद वाल गणाया, आ मूँह दिते अखां दित्तियां, दंद दिते चलन नूं पैर दिते, सोहणियां जुल्फां दित्तियां। गुरु साहिब ने केस वी रब दी दित्ती हुई दात विच गिणे आ, उहदी दित्ती हुई दात है, पर इस दी कीमत उदों पता लगदी जदों बंदा 60 टपदा है। सारे नहीं, जदों किते डॉक्टर दंदा वाले कोल जाने आ, अगला कहिंदा अगले हफ्ते हार्ट वाले दी अपॉइंटमेंट है, उस तो अगले हफ्ते हड्डियां वाले दी है जी, इस तरह है ना जी। मैं निराश नहीं आप जी नूं कर रहा, क्यों गुरबाणी किते भी गुरबाणी तो इत्थों तक कहिंदी है बुढ़ेपा तो बड़ा वधिया है, जे मान लो तू अंतले समय मंजी ते पिया है ना, उठ भी नहीं सकता, बंदगी कर तेरा तां वी भला हो जाएगा अंतले समय में। तुसी मेरी बेनती है जी, ये दान नहीं, जिस बंदे दियां अखां दी जोत नहीं कम करदी उहनूं पुछ के देखो अखां दी कीमत की है, जिस बंदे दियां लत्तां नहीं उहनूं पुछ के देखो पैरां दी कीमत की है, जिस बंदे दे कन्नां दी सुन दी ताकत खत्म हो गई स्रोत मुक गई उहनूं पुछो की। पर हाँ जिहड़े शुकर च जींदे ने, दास ने एक वारी कहा सी जी, मैं फिर आप नूं बेनती कर देना कि बंदा तुरिया जा रहा सी गर्मी च, बड़ी बारी एक कोट की आपां गल, दुपहर दी नमाज पढ़नी सी, तुरिया जा रहा सी ते रेतल अरब दा इलाका रेत, ते उह है पक्का नमाजी सी, जदों तुरे ते उह तलियां नूं रेत तत्ती रेत साड़े भुज गईआं तलियां, उहदे मन च इक्को ही फुरना बणिआ कि जाके कहांगा तेरी इबादत करना पैरां च पाउण लई जुत्ती भी नसीब नहीं हुंदी। जदों मस्जिद दे नेड़े गया एक बंदा जिहदे गोडे ते थल्ले दोनों पैर कट्टे होए सन, लत्तां कट्टियां सन, उह गुरमुखो हत्थां दे सहारे अपने आप नूं धू के खिच के लिजा रिहा है। उहने ही पुछिआ कि तू की चला मस्जिद करन, मस्जिद करन की चला है, कहिंदा नमाज पढ़न चला, कहिंदा काहदे लई, उह उत्तर दिंदा शुकराने दी, फर्ज मेरा मेरे पैगंबर ने कहा मैं शुकर करन चला, काहदा होए तेरियां तां लत्तां कट्टियां ने, कहन लगा हथ दिखा के कहिंदा आह ते कैम ने ना, ते जे ये कट लैंदा फिर मैं की करता। मैं फिर आप नूं बेनती करांगा गुरमुखो, भाई जी कह रहा भाई गुरदास साहिब दी, ओ दान वेख तू बाकी रोटी दी गल बाद च करी, इस ढांचे वल देख। रखत बिंद कर निम्मिआ चित्तर चलित्तर बचित्तर बणाया, गर्भ कुंड विच रखिआ, जीओ पाए तन साज सुहाया, मूँह अखी दे नक कन हथ पैर दंद वाल गुणाया, दिष्ट शब्दगत सुरत लेव। आ सुनियो, दिष्ट अखां नहीं कलियां दित्तियां, अखां च वेखण वाली दृष्टि दित्ती है,
कई सज्जन मैं बेनती करा अखा नहीं, डॉक्टर जवाब दे देंदे आ ना, जोत को नहीं अंदर, पिछों नाड़ चो आउंदी नहीं पियो खेड़, कहिंदे कल्ला उहने आ चमक नहीं रखी, इस चमक दे विच उहनी जिहड़ी जोत टिकाई इहदी कीमत है कोई। कन्न केवल सुराख नहीं, इन्हां कन्नां दे विच जिहड़ी सरोत उहने पैदा कीती है, सुन दी शक्ति इह किहने पैदा कीती, कन्न तां दिसदे ने ते जिहड़ा सुणदा उह कौण है, अखां दिसदियां ने जोत, मूह अखी दे नक कन हाथ पैर दंद वाल गनाया दिष्ट शब्द गत सुरत लिव, तेनू शब्द सुन दी दात दिती, तेरे शरीर च गत हरकत पैदा हुंदी, वह केड़ी ताकत रखी वह तेरे पैरां दे उत्ते एक निक्की जी कीड़ी स्पर्श करे तो उठ बह जाना मैनू कोई छूरिया है, यह कौन है वह दात देने वाला, यह छून की दात भी तो आती है ना, जिन्हां बंदियां दे धड़ मारे जाते ना प्यारे चेते रखो सूइयां भी चबाउंदे रहो असर कोई नहीं हुंदा। महाराज कहने ये दान नहीं उदे, दिष्ट शब्दगत सुरत लिव राग रंग रस परस लुभाया, तू राग सुनने जीव तो रस लेना गुरमुखा, हाथ दियां भी तलियां ने सकिनता भी है ते जीव दी भी उपर चमड़ी है, हाथ दी तली ते मिठा रखिया पता नहीं लगता, जो ऐस मास दे टुकड़े ते रखना पता फिर लगता है, ये उदा दान है। दिष्ट शब्दगत सुरत लिव राग रंग रस परस लुभाया, उत्तम कुल बड़ी उच्ची कुल है तेरी मनुखा कुल, उत्तम कुल उत्तम जन्म रोम रोम गण अंग बनाया, वो वेख होदा शुक्र कर, मां दे उधर च केड़ा सी इंजीनियर होए, हुण आ छोटियां चीजां भी बनाते ना इंजीनियर, नैनो कहिंदे निक्कियां निक्कियां है ना, इस तरह ही है ना जी, मेरी बेनती जी निक्की मैं पंजाबी बोला सीधी, जिहड़ियां निक्कियां चीजां बनदियां ने उहदे भी इंजीनियर ने, वह निक्की कदी वड्डी हुंदी देखी नहीं हुंदी ना, बंदे ने बनाई वो निक्की दी निक्की है, ते जिदन मां दे पेट जम्मे सा की हो जाए इंजीनियर इन्ना को बनाया, याद रखियो 25 साल तक इन्ना वड्डा हो गया, ओही हड्डियां ओही ने नाड़ा ओही ने स्किन ओही है। महाराज कहिंदे उत्तम कुल उत्तम जन्म रोम रोम गण अंग बनाया, उन्हें गिण गिण के आ जिथे जिथे फिट हुंदा सी सब कुछ फिट कर दिता, अगला की किया बाल बुद्ध मूह दुद्ध देकर, तेरे कोल बाल बुद्धि तू बोल नहीं सकता, तेनू कोई पता नहीं दुख सुख का अग का गर्मी का, बाल बुद्ध मूह दुद्ध देकर बाल बुद्धि च तेरे मूँह च दुद्ध दे दिता होए, याद रखी तेनू थोड़ा पता सी, उन्हें दुद्ध दे नाल ही उदन जिदन दुद्ध पीता उदन ही तेरी मल खारज करन वास्ते भी रस्ता बना दिता। इहनू दान च लैके देखिए, बाल बुद्ध मूह दुद्ध देकर मल मूत्र सूत्र विच आया, तेरे मल मूत्र दा राह भी उन्हें बनाया हो ते दान है, होया कि जी होए सियाणा समझिया, जिदन सियाणा हो गया गाउण भी लग पिया सुन भी लग पिया नचन भी लग पिया, फिर अंदरों खोमे पैदा हुई, करता छड़ कीता लपटाया, जिन्हें करते ने बनाया कहिंदा कौन बनाने वाला मैनू, करता छड़ कीता लपटाया, गुरु जी कहिंदे वे गुर पूरे बिन मोहया माया, जे ये कहो जी ये सौखा, इंज वैसे जिहड़े सुखमनी साहब पढ़ते हो रोज ही पढ़ते आ, तेरे दाने कीमत ना पवे, महाराज का पता रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साख सहन मुख अपियाओ बैठ को दैन, ए निर्गुण एडा निकम्मा तेरे दान की कीमत नहीं जानता, ए निर्गुण गुण कछू ना बूझे बख्श ले हो तो नानक सी जय। गुरु जी ने इत फरमाया कि भाई सिखा भाई सजना तो वह सब जीवन संभाल दे, नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे, तेरे को दिते हुए दान की कीमत नहीं पै सकनी, की वापस करेगा उन्हों, जिन कन किते अखी नाक जिन जेवा दिती बोले तात जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजे पवन आखे सब जाए। मेरी बेनती है एक पोटा आठ आठ कटिया जाए ना कोई दुनिया का लाल दोबारा इनू पैदा करके दसे दे विचो। महाराज कहते तेरा दाने कीमत ना पवे, तेरा दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार। हाँ एक काम कर जिन्हें दिता है ना वो शुक्र करिया कर, जिस दा दिता खावना
तिस कहिया साबास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। इस तो अगे हुण सतगुरु ने फिर सोहले ते आउण लग्या है, शब्द ओही है। अगे गुरु जी कह रहे आ, महाराज बख्शिश कर रहे आ, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। गुरमुखो ध्यान दे आज, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। अखरी अर्थ ने संबत दा अर्थ आप साल करने, संबत साल, साहा दा अर्थ आप सारे जानते हो कि गुरमत विच आए नहीं आ गया भी साह आ गया तो पंडित तो साह लैन जाना पुछन जाना। इत्थे साहा दा लफ्जी अर्थ करांगे व्याह दी तरीक मुकर्र करनी, साह मिथना भी इन्नी तरीक नू इन्नी दिन नू यह विआह होना है। संबत साहा लिखिया पहला अखरी अर्थ ने, साल भी लिखे है ते जिदन विआह होना है वह डेट वह तरीक लिखी हुई है। महाराज कहते संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, वह दिन आ गया साल आ गया। मिलकर पावो तेल मैं पहला सिर्फ अखरी अर्थ करांगा, आओ मिलके तेल पौना करो, तेल पौन की रसम से। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियां। हे सज्जनों, हे संत जनों, हे भले पुरखो, असीसा दो, आशीर्वाद दो मैनू कि ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। मेरा मेरे साहिब दर्थ है, मालक मेरे साई नाल, मेरे पति नाल, मेरे खसम नाल मेल हो जाए, मेरे केसा च तेल पाओ। अगे की व्याख्या डिटेल नाल करने हैं। मिलकर पावो तेल, दियो सज्जन असीसड़ियां, जो होवै साहिब स्यों मेल। घर घर एहो पाहुचा। आप उत्ते पाठ देख रहे हो गए, उत्ते टिप्पी नहीं लगी, पहुंचा ही है ना जी। पहुंचा का अर्थ हुंदा है सनेहा आना, पोचा आना, साहे चिट्ठी आनी। उंज याद रखियो, एक पोचे का अर्थ यही सी, शायद बजुर्गों नूं पता होना, व्याह वेले लागी गंढा देन जांदा सी, उन्हूं घरों गुड़ की रोड़ी उत्ते मौली वलेट के मामियां कोल जा रहा है, कुड़ी दे भूआं कोल जा रहा है, रिश्तेदारां कोल जा रहा है, उन्हूं भी पोचा कहिंदे सन। पर बार विच पोचा कहिंदे आ, इत्थे पहुंचा है ना, वह लोकक बोली है पोचा। उहदा मतलब जिद्दन साहे चिट्ठी आ गई, भी जिद्दन साहे चिट्ठी आ गई, संबत साह लिखिया गया, ये तो लिख दिता एक परिवार ने, बच्ची वाले लिख दिता, बच्ची वाले भी लिखते सन ना, दोनों पासे आउंदा सी भी इन्नी बरात लैके आयो, लिख दिता। पर लिखण तो बाद जिहड़ा पहुंचण दी किरिया उहनूं पोचा कहिंदे आ। फिर बेनती, बच्ची दे घर लिख दिता, आ तरीक लिख दिती, साल महीना सब कुछ लिखता, पर जिद्दन पहुंचा उन्हूं पोचा कहिंदे आ। घर घर एहो पहुंचा, घर घर विच चिट्ठियां आ गईआं ने जी। सदड़े नित पवन, रोज़ सदे पैंदे पए आ, क्योंकि विआह दे भी सदे हुंदे। जिवें इत्थे इक बेनती अज करनी है कि गल गुरदेव मौत दी गल दे पए आ, ते उदाहरणां विआह दीआं दिंदे पए आ, सदड़े पैंदे आ कि सदा आया जी फलाने घरों गाउण दा, ये कहिंदे सन। घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन, रोज़ सजे पैंदे पए ने। गुरमुखो विआहां दे, पर गुरु जी कहिंदे ने जे सदे पैंदे ने, इक कम कर, सद्दण खारा सिमरी है, जिहड़ा सदे भेज रहा है जा रहे ने सारे, अजे अखरी अर्थ ने, सद्दण खारा सिमरी है, नानक से देह आवन। वह दिन तेरे ते भी आउंदा पिओ मेरिया मना, उन्हों चेते कर जिहड़ा घर घर विच सदे भेज रहा है। अखरी अर्थ इहने दा भाव अर्थ की है, थोड़ी जी बेनती आप टेक के सुनियो इहदे बारे, क्योंकि अक्सर शब्द जिहड़ा ना टेक बना के भोगां उत्ते भी गुरमुख कीर्तनीए गाउंदे आ जी। व्याह ते मौत, इहनां दोनां दी रस्म बड़ी आपस च मिलदी है। मैं रस्म शब्द फिर वरत रहा, जदों बच्ची घर जन्म लैंदी है उस तो बाद, वैसे तो साढ़े समाज की बनतर है, उदन ही कह लग पेंदे आ भी इन्हें अपने घर तुर जाना है, ये तो बेगानी है। मैं कई घर च, मैं एक जगह पर कित गया तो बच्ची की उम्र जी मैं ख्याल 8-9 साल की, गुस्सा ना करो इस चीज़ का,
आ साडा कमरा है जी, आ साडे बेटे छोटे दा जी, आ दूजे दा जी। मैं क्या बेटी दा किन्ना वजह तेने बना, उन्हें तो तोरी जाना। मैं क्या जाओ बंदे हो रब दियो, थोड़ा इस सुनियो, ये क्यों है सोहेला? जिस दिन धी जन्म लेंदी है उस दिन ही लोग कहन लग पेंदे ने चली जाना अपने घर। जदों जवान हुंदी है फिर रिश्ता हो जाते, ये पुरानी गल है, मैं पुरानियां अजे भी किसी किसी पिंडा च है, रिश्ता हो जाना तो विचोले नूं कहा जाता सी भाई सिखा सानू 2 साल पुछी ना विआह, 2-3 साल विआह बारे गल ना करी, रिश्ता कर देने अज रोका कर देने। वो फिर कहिंदा चलो 2 साल बाद 3 साल बाद, जी कई कई 5-5 साल रोके हुए रहे। जदों साल आ गया तो विचोला फिर फेरा पाता सी, बई हुण साल आ गया जिहड़ा तुसीं कहिंदे सो, ते महीना किहड़ा, हाड़ी तो बाद के सौनी तो बाद विआह इस तरीके करदे सन बेचारे पिंडां च, कणक वढ के झोना वढ के, फिर वह कहिंदे सन साल च असीं सोचने आ इस महीने विआह रख दईए। याद रखो साल भी आ गया महीना भी आ गया, वह फिर महीना जदों जे रहिंदा ना 5-6 महीने रहिंदे सन, वह महीना डेढ़ पहला आ जांदा सी, हुण दसो फिर तरीक कि रखनी है। वह फिर बह के कट्ठे हो कहिंदे आ तरीक रखनी है जी, अगली गल नूं लिख दिओ किन्नी बरात आवे किन्ने वजे आवे, रात रहेगी जंज के रात नहीं रहनी, पहला रात रहिंदियां सन, ते किन्ने वजे फेरे किन्ने वजे तोरोगे डोली। महाराज जी ने यह सब कुछ नूं अखां नाल देखिया सी, देखने सतगुरु साडी सुरत नूं परमात्मा वल लै के। हजूर कहिंदे ने कि धी जन्म लैंदी, तुसीं कहिंदे हो कल नूं चली जाणा है, याद रखी वह व्याही जाएगी, प्रौणी बन के जरूर घर आएगी दोबारा। अपनी जिंद नूं पुछ के देख, जिदन इहनूं मौत ने वर के लै जाणा इहने प्रौणी बन के भी घर विच कदी नहीं आउणा। कैसी उदाहरण ते इह सारी उहनां सज्जनां नूं बड़ी समझ पैणी जिन्हां ने पिंडां विच व्याह ते मृतक दी रस्म नेड़े हो के देखी। साडा साल महाराज कहिंदे धी दे जन्म तो बाद कई साल बीतन तो बाद साल मितने, वो जिदन तेरा जन्म होया सी ना तू पहली किलकारी मारी रोण दी, याद रखी रब ने तेनू जन्म ही ता दिता, पहला तेरा साल लिखिया मौत दा, संबत साहा लिखिया, दो अर्थ करांगे। दूजी गल उन्हें मकीना भी लिख दिता, मकीने दे विच दिन भी लिख दिता, ते दिन दे विच उन्हें समा भी लिख दिता, इतों तक तेरे भांडे नूं तोरन लग्या उन्हें गिण के साह पा दिते, इन्ने समय च तेरे साह गुण मुक जाने ने। ननकाले सब दिव सास ने बढ़न घटन तिन सार। महाराज कहिंदे 13 साल भी लिखिया सी, जिन्हें बैठे गुरमुखो सच जे मेरा तुहाडा सब दा साल लिखिया, महीना लिखिया, समा लिखिया। इतों महाराज कहिंदे अनक जतन कर काल संताए, मरन लिखाए मंडल में आए, लिखिया है ना जी, ये लिखा के आए हैं सारे, असी लिखाए बैठे हैं। कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं जिदा साल मकीना समा लिखे। उस तो अगली बेनती तुसी देखो, बच्ची नूं जदों तोरने कैसी रस्म है, विआह हो गया ना, सहेलियां चाचियां ताइयां जदों विआह हुंदा है वो 2 तरह की खेड़ा सोहला। मैं तां कहा महाराज ने जदों तेल पाण लगियां, माइए पाउंदियां नहीं जी, किते किने तेल पाउणा किते किने कंघी करनी, ना वक्करे वक्करे ने तेल पा दिता, ते उस रस्म भी जिहड़ी तेल चढ़ाउणी रस्म है ना माइए पाउणा, इहदे विच सिर्फ फीमेल हुंदियां ने, बीबियां हुंदियां ने, बंदा कोई नहीं हुंदा, सिर्फ जनानियां हुंदियां ने। उधरों तेल पाउण लग गईआं, सहेलियां आ गईआं कुड़ी दीआं, चाचियां ताइयां मासियां जिन्ना मेल आया सी, खुशी खुशी नाल उहनूं वटना मल्ला पईआं, उहदे केसा तेल पा के नाल सोहले गाउण लग पईआं, किन्ना खुशी नाल काम शुरू होया। जदों ये रस्म मुक्कण लगती है ना उदों सारियां चुन्नी नाल अपनियां अखां पूंज के उठदियां, सारियां रो पईआं। महाराज कहिंदे तुसीं रोईआं क्यों? उत्तर मिलिआ कि जिस बच्ची दा विआह है असीं सारियां खुश सां, पर इहदी मां दी अखां देखो इह रोई। पहला पुछिआ मां नूं तूं क्यों, कहन लगे जदों इहदे केसां च तेल पाया मैनूं इहदा बचपन चेते आ गया। है तां
सोहला ही है ना। जदों जम्मी सी मैं हत्थां नाल इहदे सिर कंघी करदी सां, गुत्तां करदी सां, पर अज वेख उह दिन आया जिद्दन पहले दिन मैं मेढियां कीतियां। मेढियां शब्द सी जी अपना पुराना, मेढियां कहिंदे ना। अज उह वी दिन आ गया जिद्दन इहदे केसां नूं कंघी फेर के माइए पाण लगे आ। अखां तां भरियां ने धीए अज तुर चली है, हर थान हर चीज नूं कहिंदी मेरी मेरी। पिता दे घर नूं तू इन्ना सांभिया, अज तुर लगी है। ये भरजाइयां भी ने, भरा भी ने। एक गल याद रखियो, जो प्यो दे नां ते सरदारी हुंदी ओह किसे होर दे नां ते नहीं हुंदी। इहनूं मैं सब लई नहीं कहांगा, सच्ची है। अज धीए माइए पै गई है, आ दिन आया जिद्दन तेरी डोली उठनी है। उस तो बाद अज वाला हक नहीं रहना, प्रौणी बन के आएगी। याद रखियो जदों ब्याह हुंदा है, पुराने समय सब तो पहला डोली भरा चुकदे हुंदे सन। शायद तुहां देखे होना भरा चुकदे सन डोली, कहार बाद विच लगदे सन। डोली घरों चुकनी भरावां ने। इत्थे जदों बंदे दी मौत हुंदी है ना, शरीका बरादरी बाद विच चुकदा, पहला भरा मोढा लांदे ने। तिन्हां प्यारे भाइयां अगे दित्ता बन। अगली गल, जदों डोली घरों तुर पैंदी सी, पुराने समय गड्ढे हुंदे सन, रथ हुंदे सन, हाँ जी बैल गड्डियां सन, अजकल गड्डियां कारां। जदों डोली तुरदी सी, मैं पिंड दी रस्म कह रहा, उदू बाद डोली पिंड तो बाहर थले रख देंदे सन। फिर की होना जी, फिर सारिया ने धी नूं प्यार देना। इस तरह सी रस्मा सी, प्यार देना उहदे सिर ते, मामियां चा सारिया ने। अखीर ते मां ते बाप वो कुट के मिलते सन, वो बहुत करनामय दृश्य हो जाता सी। इसे करके गुरु जी ने आ तीजड़ी लाम च कहा, हर तीजड़ी लाम मन चाओ पया बैरागिया। बलराम जी चाह है धीए तू चलिए बैराग, अज तो बाद प्रौहणी बन के आएगी। सारे प्यार देंदे सन। उस तो बाद प्यार तो बाद कहना चल जा धीए, डोली तुर पैनी, बाकिया ने घर आ जाना। गुरमुखो जदों मौत हुंदी है भरा चुकदे ने, शनान कराउण तो बाद शमशान घाट विच फूकण तो पहला रस्ते च रखदे ने। ते कहा जांदा सी जिन्हां आखरी मूंह वेखना वेख लो, क्योंकि इदू बाद इहदा संस्कार कीता जाणा है। किस तरह मिलदियां ने विआह दी। ते इहदी अगली गल होर याद रखियो गुरमुखो, मैं कई वारी कहिंदा लोको, असल च मौत डर है, मौत भैख है। गुरु नानक साहब ने कहा, सदड़े देने वाले नूं चेते कर, तेरे लिए मौत भी इस तरह बन जाएगी जिवें विआह दा सोहला हुंदा है। तेरे लिए सोहला बन जाएगा। ये पंजाब दी रस्म है जी। इस रस्म दा जिक्र बाबे फरीद ने किया, जित दिहाड़ा धनवरी संबत सहा लिखिया। जित दिहाड़ा धनवरी साहे लै लिखाए, मलक जे कन्नी सुनी दा ओ आ गया भाई, मलक जे कन्नी सुनी दा मूंह दिखा ले आए, जिंद न माणी कढ़िया खड्डा कूकुड़काए, साहे लिखे न चलनी जिंदू को समझाए। जिंद वोटी आ संबत साह है, जिंद वोटी बड़े पंजाबी दे शब्द ने। वोटी केड़ा वर्द है जी अजकल, जिंद वोटी मरन वार लै जासी परनाए, तेनू मौत व्याह के लै जाना, तेरा संबत साह लिखिया होया है। ये सतगुरु समझाते पे, रात नूं सौण लग्या बंदिया, रात सौण लग्या है, नींद छोटी मौत है, मौत एक बड़ी वड्डी नींद है। जिथों गल आपां शुरू कीती सी, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो ते, वो वेखो वे एक कबीर साहब का शब्द है, क्यों डडिया बाधे धन खरी। अज मेरे मन च आया भी आ भी तां विआह, क्यों डडिया बाधे धन खरी, पाऊ घर आए मकलाऊ आए। बड़ी बड़ी शब्द पढ़िया होना, ये डडिया दर था डड्डी नहीं, डड्डू डड्डी नहीं। ये यूपी विच बिहार च भी अजे डडिया कहिंदे आ उस धोती नूं, लुंगी नूं, जदों बीबियां घरां च काम करदियां उधर, वह धोती बन लैंदियां ने। वह धोती ना पैरां तों उत्ते पिंजणियां तों उत्ते हुंदी, थले तक नहीं हुंदी। कबीर साहब कहिंदे, कमलीए तू धोती बन के पोचां फेरनी पईआं, तेरा मकलावा लैण वास्ते बूहे ते आए होए ने। इहदा मतलब तू कम काज च पई है, तेनूं तां लैण मौत आ गई। कहो डडिया बाधे धन करी, पाहु घर आए, पाहु दर ते प्रौहणे आ गए ने,
मकलाऊ आए तेरा मकलावा लैन आ गए ने। इनू गुरु कहिंदा सभना सौरै वंजना सामुख लावण हार, नानक धन सुहागनी जिन शै नाल प्यार जाना सब निख। की फिर मैं रिपीट दोहरावांगा कि संबत साहा लिखिया मेरा तुहाडा सब दा साल लिखे दिन लिखे है। महाराज कहिंदे संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, तेल पाओ। गुरमुखो मैं शब्द बाबल वरते है ना, यह ना महसूस कोई करो जी भरावान की कोई देन नहीं होंगी, होंगी है पर बाबल की सरदारी अपनी होंगी है। ता ही कहें हर प्रभ मेरे बाबुला, ये थोड़ा क्या मेरे भरावो सच्ची है। मैं दुनियावी इमोशनल नहीं कर रहा, तुहानू सिर्फ एक रिश्ते ने जेड़ा धी नूं प्यार बापू दे छाती चो मिलना है, शायद उदू बाद घर चो प्यार ना मिले। महाराज कहते मेरे बाबुल मैं चली हाँ, मेरा सह आ गया। हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान मैं दाजो, मैनु दाज दिओ। जिन्हों आप दहेज कहने ना जी, ये अरबी का शब्द जे जहेज, ये अरबी च जहेज है। आ जरा दाज शब्द है ये सिंधी का डाज, ये बड़ी बड़ी साड़ी जी बोली है कमाल का विरसा है जी। हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान मैं दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सबरै मेरा काजो। मेरे बापू मैनू कपड़े दे दी नाम दे मेरी अगे पत ढकी जाए, क्योंकि सहुरे घर जाना है, सहुरे घर दाज नाल कीमत पैनी है। ये सिमरन की गल हो रही है। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, आओ सत संगत विच तेल पाओ। संत जनो असीसा दो दो सज्जन असीसरिया जो होवै साहिब से मेल, साहिब नाल मेल हो जाए। घर घर एक पहुंचा, हर घर दे विच ब्याह दी चिट्ठी आ गई है, लागी गंढ दे गया भी तकड़े हो जाओ। सदड़े नित पवन रोज सदे पेंदे पया, सदन खारा सिमरिया नानक से देहें अवन। समा समाप्त हो गया, मैं विचार ये बारे कल अगला शब्द करांगे, पर लड़ी चेते रखो भी शुरू करना कि किसी नूं असीस दित्ती। मौत डरावनी है, सिखां च बड़े ऐसे हुए आ जिन्हां नूं चलन लग्यां गुरु असीस देंदा है। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो मिनट रह गए जी, 12 हो गया मेरे सामने जी घड़ी है, दो मिनट आप नाम जप ली करो कृपा जी। यही असीसा जे सब तो वड्डियां, बाकी तो गल्लां ही ने ना, गल्लां भी तां ही चंगियां ने जे विच सिफत होवे। तां करो कृपा जी, सारे बोलियो बेनती है। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे।